पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की सारी हद पार कर रही है ममता सरकार। ताजा मामला साउथ 24 परगना जिले के संदेश खाली का है, जहां महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं इस शोषण के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप है। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के लोग उन्हें रात में उठाकर ले जाते थे और जब तक टीएमसी वाले नहीं जाते थे तब तक इन औरतों को नहीं छोड़ा जाता था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने भी पश्चिम बंगाल की इन हिंदू महिलाओं की इस स्थिति पर ममता सरकार से जवाब मांगा है। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, उम्र में कौन कम है, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। वहीं जब सोमवार को इस मामले को भाजपा विधायकों ने विधानसभा में उठाया तो ममता सरकार ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी समेत 6 विधायकों को विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया। वहीं जब भाजपा विधायकों ने इस मामले पर प्रदर्शन किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कितना महिला लोग को धर्षण किया गया है, हिंदू महिला लोग को, कोई दूसरे धर्म का महिला लोग नहीं, हिंदू महिला लोग को। ममता बनर्जी का थोड़ा भी शर्म है। ये पुलिस कहाँ था जब महिला लोग को घर से उठाकर मनोरंजन के लिए लेके जाता था टीएमसी ऑफिस में। वही महिलाओं का कहना है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के लोग ही संदेश खाली में आगजनी तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं, जबकि ममता सरकार आम लोगों पर झूठा केस दर्ज कर आम लोगों को फंसा रही है। घर तोड़ने के लिए आग जलाने में वो शिबू और शाहजहां की लड़का ही था, उत्तम सरदार की लड़का ही था, उनके अपने ही लड़का है जो आग लगाया, जो तोड़फोड़ किया है, जो लूटपाट भी किया है। महिलाओं के आंसू और गुस्सा साफ तौर पर बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं ने किस हद तक हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए हैं और उनका शोषण किया है। संदेश खाली में टीएमसी के चल रहे इस जंगल राज का जवाब बंगाल की जनता ममता बनर्जी और टीएमसी को जरूर देगी और सूद समेत देगी।